नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी टीयर वन का एग्जामिनेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं और सारे लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब टीयर टू की तैयारी हम लोग को करनी है ताकि जो हम लोग को जॉब को जो है जो जॉब है वो मिल जाए एसएससी एमटीएस की तैयारी। तो यहाँ पर आपको बता दें किन किन कैंडिडेटों को तैयारी करने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन आपने बना के आए हैं ताकि हम टीयर टू की तैयारी कर देंगे, तो कंप्लीट यहाँ पर जानकारी देंगे। यदि आप टीयर टू की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंतिम तक जरूर से जरूर देखिए ताकि हम आपको हर बात को बता सके कि क्या आपको टीयर टू के लिए तैयारी करनी चाहिए या अभी आप टीयर वन को ही आप तैयारी करें, कितने परसेंटेज लाएं ताकि हम टीयर टू में जा सकते हैं, क्या हमें टीयर टू की तैयारी को जबरदस्त करने पड़े क्या अभी से करने पड़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये गलती कर लेते कि जब टीयर वन का रिजल्ट आएंगे उसके बाद टीयर टू का तैयारी करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। अगर आप टीयर वन का एग्जामिनेशन दे चुके तो आज से ही अभी से ही तुरंत लग जाए टीयर टू की तैयारी करने के, रिजल्ट का चिंता ना करें, फल अच्छा मिलेंगे। तो कितने क्वेश्चन बना के आए हैं ताकि आप टीयर टू की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो काफी इंटरेस्टेड है, काफी मजेदार वीडियो बनने वाला। जैसे कि दोस्तों आज के टॉपिक्स में हम जो यहां पर कवर करेंगे आप सभी के एसएससी एमटीएस की तैयारी को लेकर, तो एसएससी के एमटीएस जो है टीयर जो है टू में जो 2019 में है उसके बारे में तैयार करेंगे। तो एसएससी एमटीएस टीयर जो है टू की तैयारी कैसे करें, 50 में से 48 मार्क्स को कैसे लाएं, जैसे कि आप सभी को पता है इसका जो एग्जामिनेशन है वो 50 मार्क्स के होते हैं जिसमें से 48 मार्क्स आप कैसे लाएंगे वो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो हमको क्या क्या चीज पढ़ने पड़ेंगे सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ने, क्या क्या नहीं पढ़ने और कैसे पढ़ने हैं तो कैसे पढ़ने, पूरी रणनीति यहाँ पर बनाएंगे। 100% आपको स्कोर आएंगे यहाँ पर अगर आप हमारे अनुसार चलते हैं तो। पहली दफा कैसे पास करेंगे, यानी कि पहली बार में हम टीयर टू का एग्जामिनेशन को कैसे पास करेंगे, आपको कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप टीयर टू के लिए तैयारी करेंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों इसी वीडियो में बताने वाले। दूसरा वीडियो बिल्कुल भी ना देखे, सिर्फ एक वीडियो पूरा सोल्यूशन आपको टीयर टू से लेकर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने इसमें कोशिश की। वीडियो भले ही आधा घंटा का वीडियो बन जाए, 30 मिनट का वीडियो बन जाए, लेकिन इसमें जानकारी आपको जबरदस्त जानकारी मिलेंगे। इसके बाद दूसरा वीडियो आपको देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक तो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर जुड़ लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको तैयारी टीयर टू की तैयारी आज से स्टार्ट कर देने चाहिए या नहीं कर देने चाहिए। हमने हमने 50 क्वेश्चन बना के, हमने 60 क्वेश्चन बनाए, हमने 80 क्वेश्चन बनाए, क्या हमने 20 क्वेश्चन मात्र बना का है, क्या हमें टीयर टू के लिए तैयारी करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हमें कितने परसेंटेज के लिए हमें जो टीयर टू के लिए हम तैयारी करने चाहिए, कंप्लीट जानकारी देंगे दोस्तों इसी वीडियो में बताने वाले। दूसरा कोई भी वीडियो नहीं आपको देखना, सिर्फ इस वीडियो में बताएं, शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा कटअप मास्क तक हम ले जाएंगे और अंतिम में हमारा एक बुक भी पब्लिश होने वाले हैं उसके भी बारे में हम आपको यहाँ पर जिक्र करेंगे ताकि टीयर टू का एग्जाम 100% सारे लोगों का निकल जाए। तो हम आपको बताते हैं प्यारे विद्यार्थी कि अगर आप 50 क्वेश्चन कम से कम बना के आए, 50 क्वेश्चन यानी कि 100 में, जैसे टीयर वन जो क्वेश्चन हुए थे उसमें 100 क्वेश्चन दिए गए थे, अगर 100 में से कम अगर 50 क्वेश्चन अगर आप बना के आए तो आप टीयर टू की तैयारी में लग जाए। लेकिन अगर 50 से कम क्वेश्चन बना के आए, 50 से कम क्वेश्चन बना के आए तो टीयर टू की तैयारी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि टीयर टू कम से कम 50 या 50 से ऊपर ही कटअप यहाँ पर जाने की संभावना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, एसटी में हो, एससी में, ओबीसी में, जनरल में। हाँ, जगह जगह पर एसटी और एससी वाले के लिए थोड़ी सी डिफरेंट कर सकते, एसटी अगर एससी है तो उनके लिए कम से कम 40, कम से कम अगर 100 में 40 क्वेश्चन बना के आए हैं तो आप जो है टीयर टू की तैयारी आप कर सकते हैं। लेकिन बाकी ओबीसी और जनरल वाले के लिए कम से कम 50 से ऊपर मान के चलिए कि जनरल ओबीसी 50 से ऊपर अगर बना के आए तो ही आप टीयर टू की तैयारी करें, अदरवाइज नेक्स्ट कोई परीक्षा की आप तैयारी में लग जाए। लेकिन अगर आप एसटी एससी में जुड़ते हैं, एसटी एससी कैंडिडेट में आते हैं तो आपको कम से कम 40 या 40 से ऊपर क्वेश्चन बना के आए तो ही आप टीयर टू की तैयारी में लगे, अदरवाइज आप तैयारी ना करें, क्योंकि आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाले, क्योंकि कटअप कम से कम 40 से ऊपर ही जाने वाले, 40 से नीचे नहीं आने वाले।
चाहे आप महाराष्ट्र में, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, चाहे बंगाल में, चाहे यूपी में, चाहे एमपी में, चाहे किसी भी स्टेट में जाएं, तो कम से कम 40 या 40 से ऊपर आपका कटअप जाएंगे ही जाएंगे। तो आई होप आप सभी समझ चुके कि किन कैंडिडेटों का जो है, किन कैंडिडेटों को तैयारी में करना चाहिए टीयर टू का एग्जामिनेशन, किन कैंडिडेटों का टीयर टू का एग्जामिनेशन का अभी तक जो है तैयारी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि पहली दफा आप अपने एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं, यह वीडियो अंतिम तक देखें। वीडियो काफी अच्छे बनने वाले, काफी मस्त बनने वाले। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोग जो है तैयारी करते हैं, कोई बच्चे, कोई जो है कोई विद्यार्थी एक साल से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई विद्यार्थी दो साल से, तो कोई पांच साल से तैयारी कर रहे, कोई दो महीने से तैयारी करते हैं, कोई तीन महीने से तैयारी करते हैं। यानी कि बात कहा जाए जॉब के लिए, तो कोई कैंडिडेट जो होते हैं, कोई विद्यार्थी एक महीना भी तैयारी करके जॉब ले लेते हैं, कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं, कोई विद्यार्थी दो साल हो रहे फिर भी उनका जो जॉब नहीं हो पा रहा, कोई पांच साल से लगे हुए फिर भी उनका जॉब नहीं हो पा रहे। तो वो तैयारी करने में डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि कैसा आपका तैयारी। हमारे साथ चले, हमारे चैनल के अनुसार चले, 100% जॉब हम दिलाएंगे आपको, इतना तक का गारंटीड है। आपको किसी में जॉब में दिला दे, चाहे बैंक में दिला देंगे, चाहे SSC में, चाहे रेलवे में, चाहे किसी में, जरूर आपको जॉब मिलेंगे। बस हमारे अनुसार चले, हमारे कहे अनुसार चले, जो जो हम ट्रिक बताते, जो जो चीज हम आपको बताएंगे, जो जो डायरेक्शन बताएंगे, बस उसी के अनुसार चलना है। बाकी आपको कुछ भी चीज, किसी भी चीज को आपको ध्यान नहीं देना, कौन क्या बोल रहे, क्या बोलने बोलने दो उसको, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे पास जितने भी विद्यार्थी सब, सारे लोगों का जॉब कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुके हैं, तो इसीलिए आप हमारे अनुसार चले, 100% आपका जॉब हो जाएंगे। तो चलिए कंप्लीट जानकारी स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको तैयारी किस प्रकार से करने हैं, ताकि पहली दफा आपका SSC MTS के जो Tier 2 है वो एग्जामिनेशन निकल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बता दें यहां पर कि Tier 2 के डिस्क्रिप्शन पेपर होते हैं, ठीक है। यहां पर डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं Tier 2 के एग्जामिनेशन में। तो SSC MTS पेपर 1 का आखिरकार परीक्षा जो खत्म हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी दे रहे होंगे, और सारे लोग जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं वो Tier 2 में अपना लग जाए। SSC Tier 2 की या पेपर 2 प्रश्न पत्र में निबंध और लेखन पत्र के लिए पूछे जाएंगे, यानी दो चीज आपको इसमें पूछे जाएंगे, या तो आपको निबंध पूछे जाएंगे या तो पत्र लेखन का पेपर पूछे जाएंगे। तो यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे, हर एक पॉइंट को काफी डिस्क्रिप्शन से समझेंगे, काफी डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे, और आपको कंप्लीट यहाँ पर जानकारी आपको देंगे। सबसे पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो भी कैंडिडेट है किसी भी विषय पर निबंध जो है आपको 200 से 250 शब्द में, या प्रश्न पत्र जो 125 से 150 शब्द में आपको लिखने हैं। तो याद रखिएगा, आपको जो निबंध अगर आप लिखते हैं, निबंध अगर आप लिखते हैं तो 250 से लेकर आपको 200 से लेकर 250 तक का आपको निबंध लिखने, और अगर लेटर लिखना चाहते हैं तो लेटर में 125 से लेकर 150 के बीच में वर्ड होने चाहिए, उतने ही में आपको जो है यहां पर लिखने हैं। लिखना कैसे है वो नीचे हम आपको कमेंट करके नीचे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से आपको लिख दे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि हमें क्या लिखना चाहिए, निबंध लिखना चाहिए या लेटर लिखना चाहिए। देखिए, पकड़ आपकी किस में अच्छी है, अगर आपको निबंध में अगर अच्छी पकड़ है तो निबंध आप लिखिए, अगर लेटर में अगर आपको अच्छी पकड़ है तो लेटर में आप लिखिए। जिसमें आपको आपको अंदर जिसमें ज्यादा पकड़ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा आप पहले उसी को ही प्रेफरेंस करें। यहां पर आप सभी के पास निबंध को लेकर और पत्र को लेकर कोई भी चीज का अगर क्यूरी है तो नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो है, अगला पॉइंट के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यह है कि SSC MTS Tier 2 परीक्षा केवल क्वालिफाइंग जरूरी है, यानी कि इसका जो परसेंटेज, इसका मार्क्स आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ने वाले, सिर्फ क्वालिफिकेशन करना, क्वालिफाइड करना जरूरी है। अब क्वालिफाइड करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये नीचे हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ ये चीज याद रखिए, पेपर 2 आपको क्वालिफाइड करना जरूरी है, आपको इसमें परसेंटेज आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो SSC MTS Tier 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। आपको पहले हम बता दें, अंतिम जो फाइनल मेरिट लिस्ट होते उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सिर्फ इसमें यही चीज जानना है कि आपको जो है इसमें और इसमें क्वालिफाइड करना जरूरी होता है। तो अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, चौथा पॉइंट तो SSC MTS Tier 1 परीक्षा के आधार पर ही अंतिम मेरिट लिस्ट की घोषित की जाएगी, यानी कि अंतिम मेरिट लिस्ट आपका फर्स्ट स्टेज पर जितने अच्छा प्रदर्शन
आपकी ये उसी के अनुसार आपका फाइनल लिस्ट का जो है मेरिट लिस्ट निकाले जाएगी। अगर दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पांचवा पॉइंट के बारे में, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में 50 अंक रहेंगे। आपको पहले बता दी, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होंगे उसमें 50 अंक रहेंगे। योग्यता वाले यानी कि जो पेपर वन में पास करेंगे उसी को ही यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग के लिए अंक आपको दी जाएगी। जहां एक उम्मीदवार को 250 शब्द की लिमिट दे दिए जाएंगे, अनलिमिट नहीं, एक निबंध आपको लिखने होंगे। एक निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा एक या एक पत्र जिसमें 150 शब्द होंगे, जिसमें से प्लस माइनस शब्द सीमा 30% छूट होगी। लेकिन टीयर टू पर डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंकों को अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, दोनों में से कोई एक, बहुत सारे लोगों के मन में यह क्वेश्चन हो रहेंगे क्या हमें दोनों लिखने पड़ेंगे, लेटर भी लिखने पड़ेंगे, निबंध भी? नहीं दोस्तों, आपको दोनों में से किसी एक पर चर्चा आपको करने पड़ेंगे, या तो आप लेटर या तो डिस्क्रिप्शन में, दोनों में से कोई एक यहाँ पर आपको वन बाय वन करके लिखने होंगे। तो चलिए आगे समझते हैं, आगे की ओर समझते हैं और जानकारी आपको देते हैं कि किस किस के और कौन कौन से बातों को यहाँ पर आपको लिखने होंगे। इसके लिए आपको समझते हैं, आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों कि छठा पॉइंट के बारे में, निबंध और पत्र के लिए अलग अलग अधिकतम जो है 5 विषय होंगे। यानी कि कह सकते हैं, या निबंध लिखना चाहते हैं, या लेटर लिखना चाहते हैं, उसके लिए 5 आपको विषय दिए जाएंगे, यानी 5 चैप्टर्स आपको पूछे जाएंगे। कौन से चैप्टर है नीचे कमेंट नीचे हम इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मार्क होंगे, जो यूआर कैटेगरी के लिए आते हैं, जो जनरल कैटेगरी, उसके लिए 35% आपको अनिवार्य है, यानी 50 में कम से कम 35% यानी 50 में कम से कम 17.5 नंबर लाने ही लाने, जो कि आराम से और आसानी से लग सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगते हैं कि 17.5 आप ला सकते हैं? क्या बिना तैयारी के आप ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको आज से ही, अभी से ही अपने तैयारी को कर लेने पड़ेंगे, तब जाके आप 17.5 नंबर ला सकते हैं, यानी कि 35%। अगर आप ऑल कैटेगरी आते हैं, यानी कि एसटी एससी ओबीसी या कोई भी कैटेगरी में आते हैं जिसका छूट दी जाती है, उसमें कम से कम 33% आपको लाने अनिवार्य है। जिसके लिए मार्क्स का अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 16.5 आपको कम से कम 16.5 आपको मार्क्स लाने ही लाने, चाहे कोई भी हालत हो जाए, इतना मार्क्स आप लाएंगे तब जाके आप जो है पेपर टू में आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएंगे। अगला यहाँ पर बात कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है, यहाँ जो सब्जेक्ट आपको रहने वाले हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट के बारे में, ये विषय जो है आपको यहाँ जो विषय आपको यहाँ पर होंगे, यहाँ पर एक विषय होंगे जो कि निबंध और पत्र। यहाँ पर शब्द जो है लिमिट आपको रहने वाले, जो कि अगर निबंध लिखना चाहते हैं तो 250 शब्द में आपको लिखने पड़ेंगे, और अगर पत्र लिखना चाहते हैं तो आपको 150 शब्द में लिखने पड़ेंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 अंक आपको यहाँ पर दी जाएगी, जिसके लिए 30 मिनट आपको यहाँ पर समय दी जाएगी। 30 मिनट के ही भीतर आपको दोनों में से किसी एक, या तो आप निबंध या तो लेटर आपको लिखने हैं। अगर आपको पकड़ अच्छी है निबंध में तो निबंध लिखे, और लेटर में पकड़ है तो लेटर में लिखे। अब यहाँ पर बात कहते हैं कि दोनों का तैयारी क्या करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको दोनों चीज़ का तैयारी करने पड़ेंगे। दोनों चीज़ का इसलिए तैयारी करने होंगे क्योंकि अगर आपको निबंध में भारी निबंध पूछ दिया जाए तो आप लेटर आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए दोनों चीज़ का तैयारी करें। क्या हमें निबंध का लिखना चाहिए या लेटर का लिखना चाहिए? तो आपको बता दें कि निबंध अगर आपके पास है अच्छा तो निबंध करें, या अदरवाइज आप लेटर कर दें। अब यहाँ पर बता सकते हैं डिस्क्रिप्शन पेपर जो है पेपर टू कौन से कैंडिडेट दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पेपर वन क्वालिफाइड करेंगे, जो पेपर वन जिनका क्लियर होंगे, वही पेपर टू का परीक्षा दे सकते हैं। यहां पर जो है एसे, और आपको बता दिए लेटर रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में और एनी अदर शेड्यूल लैंग्वेज में, यानी हिंदी में जो भी चीज अदर शेड्यूल लैंग्वेज, उस सारे के सारे जो है आपको लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। इसके लिए मैक्सिमम जो आपको 50 नंबर 30 मिनट का समय दी जाएगी। अगर आप नेत्रहीन भी हैं, विकलांग है, या कोई भी पैरालिसिस है, तो उनके लिए 45 मिनट का आपको समय दी जाएगी, यानी उनके लिए 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम आपको दी जाएगी। तो आप सभी को पता, आप सभी समझ पा रहे हैं हम कितने डिस्क्रिप्शन से धीरे धीरे करके टॉपिक्स को बढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पर कुछ जो है प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके विषय में हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्रिप्शन करेंगे। परीक्षा में पूछे गए कुछ निबंध और कुछ विषय जो कि यहाँ पर पिछला जो साल में पूछे गए थे, आइए इसमें समस्या करते और इसमें डिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ विषय या कुछ निबंध, तो सबसे पहले दोस्तों पूछे गए थे यहाँ पर कि बरसात के मौसम पर एक निबंध लिखे, यानी बरसात के मौसम पर के बारे में आपको यहाँ पर एक निबंध लिखने के लिए पूछे गए थे, जिसके बारे में आपको लिखना था। इसमें
उसके बाद दूसरा जो है कोई मोबाइल के बारे में निबंध लिखने के लिए आए थे कि मोबाइल जो होते वो मोबाइल कैसे, तो आसान था मोबाइल के बारे में लिख सकते आप सभी मोबाइल को चलाते हैं, मोबाइल में ये होते हैं, मोबाइल का सेवा अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस टाइप से करके जोड़ जोड़ के आप जो है कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे पूछे गए थे शिक्षा और जीवन के संबंध पर एक टिप्पणी लिखने के लिए पूछे गए थे। उसके बाद दोस्तों चौथा में पूछे गए थे आपका अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी पर एक निगाह, यानी कि कोई अगर अच्छा नागरिक है वो उस नागरिक का भारतवर्ष के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी होती, उनके पीछे क्या क्या मान्यता होते हैं, वो सारे चीज यहाँ पर निबंध जो लिखने के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर निबंध पूछे गए थे। तो इन सारे चीज को आप आसानी से डील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे लिखना वो भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर बात जो है यहाँ पर करने वाले, पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं दोस्तों, वीडियो के साथ जरूर से जरूर बने रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर निबंध जो है पूछे गए थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि निबंध को हम कैसे लिखे, बरसात के बारे में कैसे लिखे, मोबाइल के बारे में कैसे लिखे, शिक्षा और जीवन के बारे में कैसे लिखे, तो नीचे कमेंट लिखिएगा, हम स्पेशल अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि बरसात का लेटर के बारे में कैसे लिखेंगे, मोबाइल के बारे में कैसे लिखेंगे, शिक्षा जीवन के बारे में, एक अच्छे नागरिक के बारे में हम कैसे लिखेंगे, वो लिख कर हम अपने हैंडराइटिंग के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हैंडराइटिंग के माध्यम से लिखे तो नीचे कमेंट लिखिएगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट तो हम आपको इसका पूरा निबंध पूरा लेटर हाथ से लिख कर आपको बताएंगे, पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। अगला जो यहां पर लेटर कुछ लेटर पूछे गए थे, आइए लेटर के बारे में यहां पर जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। लेटर यहां जो पूछे गए थे जयपुर की यात्रा करने पर यात्रा पर जाने के बारे में अपने पिता के पास एक लेटर लिखने के लिए, एक जो है लेटर लिखने के लिए यहां पर पूछे गए थे। दूसरा क्वेश्चन ये दिए गए थे समय पर बिजली बिल नहीं मिलने के कारण विद्युत बोर्ड पर पत्र लिखे, यानी कि बिजली बिल जो है नहीं मिलने के कारण, यानी कि बिजली बिल जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में बिजली बिल आता ही नहीं, विद्युत तो आ रहे लेकिन बिजली जो है यहाँ पर उसका बिल नहीं आ रहा, जिसके प्रति एक लेटर आपको लिखने के लिए यानी विद्युत बोर्ड पर लिखने के लिए आपको दिए गए थे। अगला जो यहाँ पर पूछे गए थे समाज में कानून और व्यवस्था को खराब करने के बारे में कानून अधिकारियों को पत्र लिखने के लिए, यानी कि जो वहाँ का जो मैनेजमेंट है उस पर मैनेजमेंट की इस प्रकार के समाज को कैसे सुधारा जाए, यहाँ पर कानून का व्यवस्था कैसे है, बहुत ही खराब है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको कैसे अच्छा कर सकते, इसके प्रति अपने अधिकारी को अपने मैनेजमेंट को वहां पर लेटर लिखने के लिए पूछे गए थे। अगला जो लेटर पूछे गए थे अपने दोस्त को एक ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए, यानी कि एक छुट्टी पर अपने दोस्त को पत्र लिखने के लिए यहां पर पूछे गए थे। अगला जो यहां पर लेटर पूछे गए थे अगला जो यहाँ पर लेटर पूछे गए थे कि नई कहानी की किताबें खरीदने के लिए अपने स्कूल के लाइब्रेरी को एक पत्र लिखे, यानी कि नया नया कहानी अगर आपको पढ़ने का शौक है तो एक लाइब्रेरी में किस प्रकार से अपने आप वहाँ पर जिक्र करिएगा, एक मतलब एक लाइब्रेरी पर एक पत्र लिखने के लिए पूछे गए थे। तो यहाँ पर आपने दिखाया कि किस प्रकार से पिछले प्रीवियस ईयर में पेपर टू में जो है कौन कौन से क्वेश्चन किस किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे गए थे, मैंने कोशिश किया पूरा कंप्लीट जानकारी को देने के लिए। अब आगे चलते हैं कुछ आगे का टॉपिक्स में बढ़ते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पर जो है आपको लिखने के लिए पत्र हो या निबंध हो इस प्रकार से आपको पेज दी जाएगी, इस प्रकार से खंड बाय खंड किए हुए पेज में लिखने, यहीं पर ही आपको जो है यहाँ पर ही आपको भरने, जैसे कि यहाँ पर आपको जैसे कि यहाँ पर सेवा में कोई लेटर अगर भरना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको भरेंगे वो चीज़ हम आपको इसके यहाँ पर सिर्फ टेम्पोररी बता रहे, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें लिख कर बताएंगे, कंप्लीट उसमें रहेंगे, अभी हम टेम्पोररी से बता रहे। जैसे कि कोई भी लेटर लिखना चाहते हैं तो हम लोग प्रिंसिपल के पास लिखना चाहते हैं तो टू द प्रिंसिपल इस प्रकार से लिखते हैं, जो भी नाम वाम होता है उसके बारे में, तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि लिखते हैं यहाँ पर सेवा में, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे सेवा, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे सेवा, उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सेवा में, उसके बाद के कौमा लिखेंगे, उसके बाद सविनय विनय जो भी चीज यहाँ पर मैटर है वो मैटर सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है, सविनय निवेदन, तो निवेदन यहां पर होगा, ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड में लिखेंगे, यानी कि हर एक वर्ड के लिए हर एक शब्द के लिए सेपरेट सेपरेट आपको बॉक्स बनाए हुए रहेंगे, उसी बॉक्स को आपको लिखने और उसी बॉक्स पर ही आपको भरने हैं। इसमें आपको जो लेटर में आपको बता दिए 150 आपको वर्ड लिखने पड़ेंगे और निबंध अगर लिखने हैं तो 250 वर्ड तक आप यहां पर जा सकते हैं, तो उसके ही हिसाब से आपको यहां पर निबंध और लेटर आपको भरने पड़ेंगे। तो इसके विषय में हम एक वीडियो
अलग से बनाई, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुकी है, जिसको जिसके कारण लिखने का तरीका मैंने कब मैं जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर लिख कर बताएंगे और लिख कर दिखाएंगे। बट इस वीडियो सिर्फ टेम्पोररी हम बता रहे कि लेटर को कैसे लिखे जाए, सिर्फ इतना समझिए हर एक बॉक्स पर आपको जो है यहाँ पर हर एक वर्ड को यहाँ पर डालने हैं, चाहे आप नाम लिख रहे हैं, अपना नाम भी लिख रहे हैं तो यहाँ पर नाम भी आपको अपना ही एक ही बॉक्स पर आपको भरने है। सुरेश नाम है तो नाम यहाँ पर सुरेश, आपको सुरेश यहाँ पर भरने, पूरा कंप्लीट यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो है पूरा चीज का भरने। अब यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि यहाँ यार यहाँ खाली है, जैसे सेवा में के बाद ये दो बॉक्स खाली हो चुके, क्या हमारा दोनों बॉक्स भी काउंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं, जो जो जिस जिस बॉक्स पर आप लिखेंगे वही बॉक्स ही आपका काउंट होंगे। यानी कि यहां पर मैंने यहां पर इस बॉक्स पर लिखा, जैसे कि यह इस बॉक्स पर लिखा तो यह मेरा पहला हो जाएगा, यह हमारा दूसरा हो जाएगा, यह हमारा तीसरा, यह हमारा चौथा, यह हमारा पांचवा और यह हमारा छठा। यानी कि यहां पर छह वर्ड कंप्लीट हो चुके। इस प्रकार से दोस्तों आपको टोटल लेटर में 150 और निबंध में 250 आपको वर्ड लिखने। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके विषय में हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल बताएंगे। अगला यहाँ पर कटअप के बारे में समझते हैं दोस्तों। कटअप यहाँ पर पिछला कटअप क्या गिए थे उसके भी विषय में यहाँ पर समझ ले कि टीयर टू में कटअप कितने गिए थे। तो कटअप जो डिपेंड करते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं इसके भी विषय में हम यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों कटअप मार्क्स जो है बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर इसमें कटअप जाते हैं उसके विषय में यहाँ पर जानते हैं। कटअप अंक जो है विभिन्न कारकों सॉरी यहाँ पर विभिन्न कारणों से जैसे उम्मीदवार की संख्या, कठिनाई स्तर, पेपर पैटर्न आदि पर निर्भर करेंगे। यहाँ हम पिछले वर्ष के एसएससी एमटीएस कटअप अंक के प्रदान कर रहे हैं, जो आपको अपेक्षित कटअप के बारे में विचार यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर कुछ आपको बता दें कि कटअप कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कटअप आपको डिपेंड करेंगे उम्मीदवारों का संख्या, अगर ज्यादा उम्मीदवार है तो कटअप ज्यादा जाएंगे, उम्मीदवार कम है तो कटअप कम जाएंगे। फिर क्वेश्चन प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो किस प्रकार से उसका स्तर पूछे जा रहे हैं, कठिनाई पूछे जा रहे हैं, आसान पेपर पूछे जा रहे हैं, वो भी कटअप के डिपेंड मतलब पेपर का पैटर्न पर भी डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर पिछला कुछ कटअप के बारे में यहाँ पर जानेंगे। अब दूसरी बात है कि यहाँ पर आपको दो लैंग्वेज यहाँ पर आपको बताएं कि हिंदी या इंग्लिश, क्या दोनों लैंग्वेज में हमको एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी एक लैंग्वेज को आप चूज कीजिए, या तो आप हिंदी में दीजिए या तो इंग्लिश में या कोई और भाषा में अगर आप यहाँ पर दिए गए हैं तो वहाँ जब आप फॉर्म भरे होंगे उसी वक्त ही एसएससी आपको पूछ लेती है कि आप किस प्रकार से पेपर टू का परीक्षा आपको देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि पेपर जो है टू में 2014 में एक एग्जामिनेशन हुए थे उस वक्त कटअप कितने गए थे पेपर टू का। यहाँ पर जो है कैटेगरीज वाइज यहाँ पर हम जिक्र करने वाले पूरा एनालिसिस करेंगे 2014 के बारे में। फिर 2018 में भी इसका एग्जामिनेशन हुए थे पेपर टू का, में किस प्रकार से कटअप गए उसके भी विषय में यहां पर हम जो है क्लिक करके यहां पर बताएंगे। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बता दें कि पेपर टू में जो है 2014 में का जो कटअप गए थे, ठीक है, 2014 का कटअप गए थे वो 50 में कटअप 40 गए थे जनरल वाले के लिए, ओबीसी के लिए 38 गए थे और एससी के लिए 35, एसटी के लिए 32 और ओएच के लिए 30 और एचएच के लिए सब जितने सभी के लिए जो 30-30 कटअप जो यहाँ पर गिए थे। यानी कि कटअप यानी 50 में 40 कटअप चल जाते हैं, यानी जबरदस्त इसमें कटअप जाते हैं, कटअप के मामले में इसमें आप नहीं कर सकते। तो ये जो कटअप थे दोस्तों 2014 के कटअप थे। आइए कुछ और कटअप यहाँ पर देखते हैं कि इस बार जो है कटअप जो है कितने गए थे। तो यहाँ पर 2018 के बारे में कटअप अगर हम जानकारी लेंगे, यह जो है 2018 का यहाँ पर कटअप हम बैठ करने वाले, तो 2018 का जो है टीयर टू का जो है कटअप है, आइए देखते हैं कि कितने कटअप यहाँ पर गए थे 2018 में जो कटअप गए थे यहाँ पर 41 गए थे जनरल वाले के लिए और ओबीसी के वाले के लिए 39 और एससी के लिए 36, एसटी के लिए 32 और बाकी के लिए 30-30 कटअप यहाँ पर गए थे। यानी कि यहाँ पर भी 2018 में भी जबरदस्त यहाँ पर कटअप जाते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी देख चुके कि किस प्रकार से आपको कटअप के बारे में यहाँ पर 2018 में और 2014 में किस प्रकार से यहाँ पर कटअप गए थे। तो इस बार भी कटअप इसी के ही आसपास रहने वाले 2019 में जो कटअप आपको जाने वाले दोस्तों
इसी के आसपास 40 से 41, 41 मतलब सबके 40 के आसपास ही कट ऑफ यहाँ पर जाने वाले हैं। इसीलिए तैयारी में जबरदस्त अपना तैयारी करें अगर टीयर टू निकालना चाहते हैं तो आई होप आप सभी समझ चुके हैं कि किस प्रकार से हम अपने तैयारी को कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर रहा, उससे पहले और कुछ बातें जो कि आप सभी को यहाँ पर बताने बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि अगर आप 50 क्वेश्चन जनरल और ओबीसी वाले बना के आए तो इसकी तैयारी कर ले। एसटीएससी के लिए अगर आप एसटीएससी में तो 40 से ऊपर अगर आप बना के आए हैं क्वेश्चन तो टीयर टू की तैयारी आप कर दे। हमारे पास जो बहुत ही जल्दी एक बुक पब्लिश किए जा रहे हैं फॉर टीयर टू एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही जल्द उसमें क्या क्या चीज मिलेंगी, उसमें हमने काफी अच्छे तरीके से उसमें जो है पूरा चीज के बारे में जानकारी उसमें दी गई कि पूरा कंप्लीट उसमें जानकारी हम दिए कि किस किस प्रकार से एग्जामिनेशन में लिखने पड़ेंगे, कैसे कैसे लिखने के लिए हमें प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी, कंप्लीट जानकारी वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए हमारा एक बुक जो है बहुत ही जल्दी पब्लिश होने वाले है। कितना जल्दी चाहिए आप नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, कितने तारीख तक आपके पास वो बुक पहुंच जाना चाहिए। उसका जो फाइल हम पीडीएफ में बना रहे हैं, पीडीएफ आपको देंगे, हार्ड कॉपी नहीं देंगे। जिनको कैंडिडेट को जरूरत होंगे वो साइबर कैफे में जाकर प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। हम बहुत ही जल्द उसका पीडीएफ लॉन्च करने वाले जिसमें बहुत ही अच्छा से अपने ही भाषा में उसको लिखे गए हैं, बहुत ही अपना खुद का लैंग्वेज, उसमें किसी चीज का कोई भी लैंग्वेज का यूज नहीं किए गए, अपना खुद का लैंग्वेज है और उसमें आपको पूरा कंप्लीट देंगे। आने वाले दिन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, बेल का आइकन को दबा के रख ले ताकि आने वाले बुक जो है हमारे पास जो बहुत ही जल्द हमारा टीम आप सभी के लिए लगातार काम कर रहे हैं ताकि जो पहला स्टेज में यानी फर्स्ट अटेम्प्ट पर जो है SSC MTS के निकालने का जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। तो कितने लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पर SSC MTS का एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं ये भी बात दोस्तों नीचे कमेंट लिखकर जरूर से जरूर बताइएगा। याद रखिएगा दोस्तों जीत के आगे हार है, हार के आगे जीत है। तो याद रखिएगा जितना आप कोशिश करिएगा उतना जल्दी आप जीतिएगा। इसीलिए कोशिश करते रहिए, जितना जल्दी कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। ऐसा हम ना सोचे कि हमसे नहीं होंगे, यू कैन डू इट दोस्तों, आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट आप कर सकते हैं, जरूर से जरूर कर सकते हैं। बस तैयारी करें, जबरदस्त तैयारी करें, हमारे अनुसार तैयारी करें, 100% आपका सिलेक्शन इस बार हो ही जाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। न्यू डिस्कस क्लास की ओर से आप सभी को आने वाले टीयर टू के एग्जामिनेशन को बेस्ट ऑफ लक करते हैं, एंडिंग क्लास आपको बेस्ट ऑफ लक करते हैं और आप सभी ने अपने कीमती समय देकर हमारे इस लाइव टेलीकास्ट में आए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में कमेंट किए, थैंक्स लिखकर कमेंट किए, वीडियो को लाइक किए, वीडियो को शेयर भी कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। इसके लिए आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं इसका बुक पब्लिकेशन के साथ। कितने जल्दी बुक चाहिए नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। उसमें हम 150 से 200 पेज उसमें पूरा मेरा कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट 150 से 200 पेज उसमें रहने वाला, जो कि बहुत जबरदस्त बुक है। अगर कोई भी कैंडिडेट उस बुक को अगर एक बार पढ़ ले तो उसको हम गारंटी देते हैं कि उसका जो है जॉब 100% हो जाए, क्योंकि वो बुक ही इतना क्वालिटी का है कि वो कहीं पर भी मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। वो खुद का मेरा बनाया हुआ, हमारे न्यू रिसर्च क्लास का, हमारी टीम का है, क्योंकि हम लोग पब्लिश नहीं करते हैं बुक, लेकिन हम उसका पीडीएफ बना के आप तक पहुंचा देंगे ताकि हमारा जो लक्ष्य फर्स्ट अटेम्प्ट पर निकालना वो निकल जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।